अस्सलाम वालेकुम, सब कैसे? ठीक ठाक है। अच्छा जी, आज हमने कुछ मल्टीप्लाई का मैट्रिक्स पढ़ने, जैसे 2 बाई 2 के मेरे पास दो मैट्रिक्स हैं, मैं इनको इन दोनों मैट्रिक्स को आपस से मल्टीप्लाई कराना है। जैसे आप देख सकते हैं, ए है एक, बी है, इनको ए मल्टीप्लाई बी करना है। लास्ट वीडियो में कुछ बेसिक टॉपिक पढ़ाए थे, जैसे एडिशन करना, सब्ट्रैक्शन करना, ट्रांसपोज करना। तो आज थोड़ा उससे एक स्टेप आगे लेते हैं, ठीक है जी? आई होप आपको कुछ समझ में आएगा। स्टार्ट करते हैं वीडियो। देखिए, भय तो बहुत सिंपल, अगर समझ में आ जाए, अगर नहीं आए तो फिर जाहिर सी बात है चीज़ मुश्किल हो जाती है, ठीक है? देखिए, सबसे पहले क्या है, ए मल्टीप्लाई बाय बी हमें सॉल्व करना है। इधर हमने सोल्यूशन की हेडिंग डाल दी। ए पहले लिखा हुआ है तो ए का मैट्रिक्स पहले आएगा। क्या है ए का मैट्रिक्स? 1 2 4 8। मल्टीप्लाई बाय बी बाद में लिखा है, बी का मैट्रिक्स बाद में आएगा, 2 4 6 3, ठीक है? मैंने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ क्वेश्चन से मैट्रिक्स एज इट इज कॉपी किया। 1 2 4 8 एंड 2 4 6 8 6 3, ये 2 बाई 2 के मैट्रिक्स हैं। 2 बाई 2 के मैट्रिक्स क्या होते हैं? लास्ट वीडियो बताया था, अगेन बताया था, जिसमें 2 रोज 2 कॉलम हो उसमें 2 बाई 2 का मैट्रिक्स लाता है। इसमें सिर्फ हम सिंपल 2 बाई 2 की बात करेंगे, आगे नहीं जाएंगे, ठीक है? अब देखिए, इसमें कुछ मल्टीप्लाई करने का मेथड होता है। जैसे देखें, ये फर्स्ट रॉ है, ये सेकेंड रॉ है, ये फर्स्ट कॉलम है, ये सेकेंड कॉलम है, ठीक है? अब क्या करेंगे, पहले पहली रॉ को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। पहली रॉ को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, पहले नंबर को पहले नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, सेकेंड नंबर को सेकेंड नंबर से। ये पहली रॉ है, ये पहला कॉलम है। फर्स्ट नंबर को फर्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई किया, सेकेंड नंबर को सेकेंड नंबर से मल्टीप्लाई किया, बीच में एडिशन का साइन आ गया, ठीक है? और अब आगे जाएंगे, इससे फर्स्ट रॉ को फर्स्ट कॉलम से कर दिया, फर्स्ट रॉ को सेकंड कॉलम से करेंगे। फर्स्ट नंबर को फर्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई किया, सेकंड नंबर को सेकंड नंबर से मल्टीप्लाई करा, मिड में एडिशन का साइन आ गया, सही है? अब इधर मैं इधर मेंशन भी कर देता हूँ, हमने क्या करा, फर्स्ट रॉ को मल्टीप्लाई करा फर्स्ट कॉलम से यहाँ पे, और यहाँ पे करा फर्स्ट रॉ को मल्टीप्लाई करा सेकेंड कॉलम से, यहाँ मैंने मेंशन भी कर दिया। अब आगे बढ़ते हैं, ये आ गई सेकेंड, फर्स्ट रॉ को दोनों से कर दिया कॉलम से, अब सेकेंड रॉ में आया, सेकेंड रॉ को फर्स्ट कॉलम से करेंगे। 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से और 8 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 से। फर्स्ट नंबर को फर्स्ट नंबर से करा, सेकेंड नंबर को सेकेंड नंबर से करा, मिड में एडिशन का साइन। सेकेंड रॉ को फर्स्ट कॉलम से कर दिया, सेकेंड रॉ को सेकेंड कॉलम से वैसे ही करेंगे। फर्स्ट नंबर को फर्स्ट नंबर से करा, सेकेंड नंबर को सेकेंड नंबर से करा, मिड में एडिशन का साइन आ गया। यहां तक बात क्लियर हो जाती है, आगे बढ़ते हैं। यहां मैं लिख भी देता हूं, सेकेंड रॉ को मल्टीप्लाई करा फर्स्ट कॉलम से इस वाली लाइन में, सेकेंड रॉ को मल्टीप्लाई कर इस वाली लाइन, ठीक है? कोई मिस्टेक तो नहीं करी, आगे बढ़ते हैं। सिंपल, यहां पे अब हमें मल्टीप्लाई करके ऐड करना है। ए मल्टीप्लाई बाय बी इक्वल्स टू, ठीक है, 1 2 जा 2, 2 6 जा 12, मिड में एडिशन का साइन है, ऐसे ही आ गया। 1 4 जा 4, 2 3 जा 6, मिड में एडिशन का साइन है, ऐसे ही आ गया। 4 2 जा 8, 8 6 जा 48, मिड में एडिशन का साइन है, ऐसे ही आ गया। 4 4 जा 16, 8 3 जा 24। सिर्फ कुछ नहीं किया, मल्टीप्लाई करा है और मिड में जो एडिशन का साइन था वो ऐसे ही कॉपी कर लिया। अब इनको सिर्फ ऐड करना और हमारे पास आंसर आ जाएगा, 2 प्लस 12 14, 6 प्लस 4 10, 48 प्लस 8 56 ना, नो, यस 56, और 24 प्लस 16 इट्स 40, ठीक है जी? हमारा फाइनल आंसर हो गया। दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है, पर रॉ और कॉलम को आपको जहन में रखना है। पहली रॉ को पहले पहले कॉलम से करेंगे, फिर पहली रॉ, ये एक रूल भी लिख देते हैं, सबसे पहले फर्स्ट रॉ को फर्स्ट कॉलम से करना है, फिर फर्स्ट रॉ को सेकंड कॉलम से करना है, ठीक है? फिर उसके बाद क्या करेंगे, सेकेंड रॉ को फर्स्ट कॉलम से करना है और सेकेंड रॉ को सेकेंड कॉलम से करना है।
ये सीरीज से चलेंगे, ठीक है। यहाँ पे भी लिख दिया मैंने, यहाँ पे मेंशन कर दिया, जहाँ से आपको इजी लगे, जो ट्रिक इजी लगे वैसे सॉल्व करें। ये हमारी टीचर ने बताई थी, इसलिए मैंने आपके साथ शेयर की। आपको कोई और से मेथड इजी लगता है आप वो फॉलो करें, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आंसर ये आना चाहिए। और ये मैट्रिक का टॉपिक है, तो मैट्रिक के टॉपिक में स्टेप्स, जैसे मतलब सिंध बोर्ड में पढ़ रहे हैं तो सिंध बोर्ड में स्टेप्स देखे जाते हैं, ओ लेवल में या फिर ए लेवल में इनमें स्टेप्स इतने देखे नहीं जाते, क्योंकि इनकी मैथ्स थोड़ी अपग्रेडेड होती है। हम तो वैसे पुराने ज़माने में चल रहे हैं, घिसी पिटे हुए सवाल है, 90s की बुक्स चल रही, चेंज ही नहीं हो रही। तो मैं वो जो चेकर होता है ना, वो देखते हैं बच्चे ने एक सवाल कितने पेज में किया है। आप 3 स्टेप में ख़त्म कर देंगे ना तो वो 3 नंबर ही देंगे, अगर आप 1 पेज में ख़त्म करेंगे तो शायद वो आपको पूरे नंबर दे दें। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत बहुत ख्याल रखें, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी।